हेलो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 50 ml मैंने मेल्ट बटर लिया है और हाफ कटोरी के करीब मैंने इसमें शुगर लिया है। इन दोनों को मैंने हल्का सा बीट कर लिया है। 3 एग इसमें मैंने डाल दिए और इसको भी बीट कर लेंगे। वनीला एसेंस 1 स्पून, इसको भी बीट कर लेंगे। हाफ कटोरी के करीब मैंने इसमें दूध लिया है, वार्म मिल्क डाला है मैंने इसमें, इसको भी बीट कर लेंगे पहले। ऑल पर्पस फ्लोर हम डाल रहे हैं, यानी 1 कप मैदा, हाफ कटोरी कोको पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बेकिंग पाउडर 1 स्पून, बेकिंग सोडा हाफ स्पून, 1 कप टी स्पून इसमें सॉल्ट डाल देते हैं। इन सबको हम अच्छे से छान के मिक्सर, यानी एग और शुगर वाले मिक्सर में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको बीट कर लेते हैं। और एक ग्रीस किए हुए टीन में हम इसको डालें, यानी ऑयल लगा के हम बेकिंग वाली ट्रे को अच्छे से हमने ऑयल और मैदे से ग्रीस कर लिया। उसमें बेकिंग पेपर लगा दिया हमने, बटर पेपर को लगाने के बाद अब मिक्सचर डाल के हमने टैप कर लिया। इसको 180 डिग्री पे हम बेक कर लेंगे 15 मिनट के लिए। और ये बेक हो चुका है। आप नाइफ चाहे कुछ भी डाल के इसमें अगर चेक कर सकते हैं, अगर वो स्मूथ निकलता है तो आपका केक ऑलमोस्ट रेडी है। बेकिंग पेपर हम निकाल देते हैं। कितना स्पॉन्जी हमारा केक बना है। चलिए इसको कट कर लेते हैं। मैं इसको थ्रेड की मदद से कट कर रही हूँ, आप इसे नाइफ से काट लीजिएगा। इसको जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो लीजिए, बनके रेडी है झटपट से हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक। इसको मैंने ब्लू कलर से डेकोरेट किया है, इसे मैंने ब्लू कलर से डेकोरेट किया था। आप इसको किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, बनके रेडी है हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।